ये एक सुखद संयोग है कि 50 बरस पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के सम्मान को शामिल किया गया और अमिताभ बच्चन ने भी अपने फिल्मी सफर की शुरुआत ठीक 50 साल पहले सन 1969 में की। और 50वां दादा साहब फाल्के सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। श्रीमती जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, आज के समारोह में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार और फिल्म पुरस्कार के जूरी सदस्य भी उपस्थित हैं। कई लोगों का मानना है कि अमिताभ बच्चन ने सिर्फ अपने एक्टिंग से नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व के तौर पर, कलाकार के तौर पर भारतीय सिनेमा पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। साउंड और कलर यानी आवाज और रंगीन फिल्मों के बाद भारतीय सिनेमा पर सबसे ज्यादा जिसका असर हुआ है वो हैं अमिताभ बच्चन। अरे सारे बैठ गए क्या? हाँ, इधर है अमिताभ बच्चन। The 50th recipient of this coveted award is the actor extraordinaire Shri Amitabh Bachchan. A, B, the first two letters of the alphabet of our films for decades. Who is this man? A man whose journey started from, say, 50 years back, and it has not yet ended. हम हिंदुस्तानी रेंगते नहीं। आते कहाँ मुझसे? आते कहाँ मुझसे? जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। After seeing Deewar, I become his fanatic. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। Smile, please. The infant lovingly called Munna was named Inqalab. But the parents soon gave in to aesthetic counsel of the close literary fraternity and the child was called Amitabh. पहली मुलाकात में तुमको क्या बोला? मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। What's the secret of his acting prowess? कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शाहिशा। Often, the fond father would say, where did Abhimanyu learn about Chakravyuh? Bas, ho gaya pitai, good. Many times, I have told that Mr. Bachchan is my inspiration. And he is the man behind me to enter cinema, Hindi cinema industry. Aapki nazaron mein, हम भी तो चोर बदमाश हैं। अमिताभ वॉज नेवर लैकिंग इन द रोमांस डिपार्टमेंट। तेरी बिंदिया रे, दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, चुम्मा चुम्मा दे दे। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। And this continued well beyond the traditional romancing years. जीने कम है थोड़ी थोड़ी दिलाफ में। Yes, Amitabh would delve deep into the script and crevices of the character and would become the character himself. What's my name? Aru. Why so complicated? His single-minded focus and hard work have been incomparable. With every film, Sri Amitabh Bachchan ji has continued to reinvent. Na sirf ek shabd nahi, apne aap mein ek pura vakya hai. Badla lena har baar sahi nahi hota. Love letter likhne ka. इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। बुड्ढा किसको बोलता है? बुड्ढा होगा तेरा बाप। Being a truly pan-Indian actor, Amitabh Bachchan has acted in films of almost all Indian languages. My boy. Not only contribution to cinema, but also to TV. बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर? Also to social messaging for everybody. There isn't an award in the Indian film firmament that Padma Vibhushan Amitabh Bachchan has not been decorated with, including 4 national awards. बहुत बहुत मुबारक। ये इंडस्ट्री का गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा अवार्ड है। खूब हाल लगी अमिताभ जी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया था ने। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पे बहुत बहुत बधाई। और दादा साहब फाल्के अवार्ड को बहुत बहुत मुबारक। उनको बच्चन साहब मिल रहे हैं। ये मेरा गौरव है कि
मैं भारत के फिल्म उद्योग का एक सदस्य हूँ। Mr. Bachchan is getting this extraordinary award in the name of the pioneer. And as a fellow Academy member, we welcome this extraordinary award. And my hearty congratulations to Amitabh Bachchan, sir. और मेरा बहुत बड़ा गौरव कि मैं भारत का नागरिक हूँ। इस पुरस्कार को मैं समर्पित करता हूँ अपने पूज्य बाबूजी और माजी को और भारत के प्रत्येक नागरिक। दरअसल अमिताभ बच्चन ने भारतीय और खास तौर पर कहें तो हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब अमिताभ फिल्मों में आए तब उसी वर्ष यानी 1969 से राजेश खन्ना सुपरस्टार बनने की राह पर चल पड़े थे। अमिताभ का ऊंचा कद और लुक्स परंपरागत फिल्मी हीरो से बिल्कुल अलग थे। इस दृष्टि से उनका संघर्ष एक बिल्कुल अलग तरह का रहा। आनंद के बाबू मोशाये से पहचान पाने वाले अमिताभ बच्चन ने जंजीर के इंस्पेक्टर विजय के किरदार को ऐसे निभाया कि वो नए नायक और उस दौर के बदलते तेवर के प्रतीक बन गए। और अब आगमन देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। भारतीय सिनेमा के कलाकारों को उनके योगदान और उनकी सिने साधना को सम्मानित करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुई। भारतीय सरकार की ओर से ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। देविका रानी से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक अनगिनत बार हमने गौरव गाथा का यह झिलमिलाता अवसर देखा है जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सितारों और कला साधकों का सम्मान हुआ। और इस साल ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के महानायक अभिनय के प्रखर सूर्य अपनी प्रतिभा के जरिए एक आम आदमी की व्यथा वेदना उसके हर्ष उसके संघर्ष को अनेक अनेक बार अपने बेजोड़ अभिनय से उकेरने वाले दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का चेहरा बनकर छा जाने वाले सिनेमा के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया जा रहा है। स्क्रीन आइकन अमिताभ बच्चन जी ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की और फिर 1970 के दशक में जंजीर दीवार और शोले जैसी फिल्मों के माध्यम से युवा पीढ़ी के गुस्से को अभिव्यक्ति दी और उन्हें एंग्री यंग मैन कहा गया, जो आज भी भारतीय सिनेमा में एक ताकत बने हुए हैं। अभिनय के दूसरे दौर में अपने नए निर्देशकों के साथ ब्लैक और पा जैसी प्रयोगधर्मी फिल्में की, आपने टीवी पर भी कामयाबी का नया इतिहास रचा
साल 2000 से आप गेम शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं। अभिनय के साथ साथ पोलियो उन्मूलन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने में आपका बड़ा योगदान रहा। कला और सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने पूरी दुनिया में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के दूत बनकर भी सारी दुनिया में भारत का परचम लहराने में कामयाब रहे हैं। भारतीय सिनेमा को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। आपने सिनेमा के सफर में आप पद्म सम्मान के साथ ही 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार समेत फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए और करीब 200 से भी ज्यादा हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में न सिर्फ अभिनय किया बल्कि अन्य क्षमताओं में भी योगदान किया है। हमें इस बात की खुशी है कि हम सभी को इस गौरवमय पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। अपार हर्ष और करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अमिताभ बच्चन जी का। श्री अमिताभ बच्चन को सिनेमा में उनके उत्कृष्ट और अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के इस सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाता है। अमिताभ बच्चन वो प्रतिभावान अभिनेता हैं जिनके अभिनय ने अनेक पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया है और उनको प्रेरित भी किया है। वे दशकों तक भारतीय युवाओं की भावनाओं के प्रतिबिंब रहे और अपनी प्रतिभा से किरदारों को सशक्त बनाया। उन्होंने अपने अभिनय की प्रवीणता से प्रत्येक चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया, जिसने दर्शकों पर समुचित प्रभाव डाला और उनके हृदय को छुआ। श्री अमिताभ बच्चन की बहुमुखी अभिनय प्रतिभा भारतीय फिल्म जगत में निरंतर 5 दशकों से अधिक की अभिनय यात्रा, जो कि विभिन्न अविस्मरणीय पात्रों के जरिए सदैव अमर है, के लिए ये प्रशस्ति प्रदान की जाती है। श्री अमिताभ बच्चन। दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित श्री अमिताभ बच्चन जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो आएं और 2 शब्द कहें। भारत के राष्ट्रपति माननीय और परमादरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेता देवियों और सज्जनों, मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और
राष्ट्रीय पुरस्कार के जितने भी जूरी के सदस्य हैं उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। अनेक धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता निर्देशक और जितने सह कलाकार उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 50 वर्ष पहले हुई थी और इतने ही वर्ष मुझे इस फिल्म उद्योग में भाग लगने का, काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, यदि आपकी आज्ञा हो। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री अमिताभ बच्चन जी, और भारत का दर्शक आपको शायद अभी आराम नहीं करने देगा। अब मैं अपने सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए एक बार फिर आप लोग खड़े हो जाएं। ये समापन है समारोह का। माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल से। उनके साथ श्रीमती सविता कोविंद, माननीय राष्ट्रपति जी की पत्नी, अमिताभ बच्चन, जिन्हें आज दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया, जो ना रुके हैं ना थके हैं, बस अपने कला कौशल से सिनेमा को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।